देखो जब टाइम कम होता है अक्षित, तो 2-3 दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे। तो मेरा मेरा मानना यह है कि आपको ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो भी आपको भगवान दे रहा है उसको पॉजिटिवली लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। एग्जाम आपकी बात ठीक है, बट अभी इतना फैसिलिटी नहीं है, तो जितनी फैसिलिटी मिल रही है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, है ना? एनीबडी एल्स जो बोलना चाहता है, फॉर एनी प्रॉब्लम आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। कोई बच्चा भी अपनी बात कहना चाहता है तो जो भी अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन जो भी आप करें एक बात ये भी ध्यान रखें, मैंने पहले भी लिखा था कि आप अपनी किसी भी बात में ना सरकार के खिलाफ एब्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं करना है आपको, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, CBSE हो, क्योंकि कुछ दूसरी पार्टी के लोग आपको यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी हो सकती है, और फिर सरकार हमारी बात सुनेगी भी नहीं। ठाकुर शिवांश आप बोलिए प्लीज़। ठाकुर शिवांश बेटा बोलो। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ठाकुर शिवांश। और कोई बच्चा बोलना चाहता है कुछ भी तो बोल सकते हैं आप, अगर स्पीकर बनना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आपकी बात को यहाँ पर रखा जाएगा। शायद डेटा की प्रॉब्लम है। और कोई बच्चा कुछ पॉइंट देना चाहता है, हाउ कैन वी प्रोसीड दिस फाइट, हाउ कैन वी कन्विंस गवर्नमेंट टू नीट पोस्टपोनमेंट एंड गुड रिजल्ट फॉर प्राइवेट एंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। तारा, ईशु, राहुल, सिद्धार्थ, संजुक्ता, असावज, आस्था, कोई भी बच्चा बोलना चाहे तो बोल सकता है। जतिन, राहुल, सना, एनीबडी, ऑल आर वेलकम टू स्पीक अप। यस अतुल प्लीज़ आप स्पीकर का बटन दबाइए बेटा, मैंने आपको इनवाइट कर दिया है स्पीक करने के लिए। अतुल भारद्वाज, एनीबडी एल्स? एक रिक्वेस्ट हो रही है हमारे पास। अच्छा वापस ले लिए। अक्षित है ये बच्चा, कोड आया नया अभी। तो यार एक साथ ट्वीट करो, यही कहना है मेरा, हिम्मत मत हारो, पढ़ाई करो, अपने लास्ट ईयर के सैंपल पेपर सोल्व करो 3 साल के, जो CBSE प्राइवेट वाले बच्चे हैं कंपार्टमेंट वाले, उनसे मेरी सलाह है कि वो पिछले 3 साल के सैंपल पेपर सोल्व करें, और जो नीट वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। हाँ जतिन बेटा आप बोलो, क्या बोलना चाहते हो जतिन? यू वॉन्ट टू बी ए स्पीकर? मैंने परमिशन दे दी आपको, आप बोलिए। और इसको शेयर कर दीजिए एक बार सारे बच्चे, ताकि और बच्चे भी आ जाएं हमारे। और अब 4 मिनट बची हैं बस, 4 मिनट का और है लाइव स्पेस, बिकॉज 10:15 पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अनुराग देव क्लासेस पर, सैम्पल पेपर डिस्कस करूँगा फिजिक्स का, जो आज सैम्पल पेपर लॉन्च हुए हैं। अतुल आप और कुछ कहना चाहते हैं बेटा? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी बात बहुत अच्छी आ रही है, कड़क आवाज़ एकदम। बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या दोबारा बोलो एक बार। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि सर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हाँ ये तो है यार, देखो लंबा टाइम हो गया, थक चुके हैं मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि ये ईश्वर हमारा टेस्ट ले रहा है, और ये एक बिल्कुल पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कुछ अच्छा ही इसके। हाँ, ऊपर से सर जितने भी जूनियर्स हैं, मैं आपको सही बताऊँ, वो हाँ भी बोलते हैं कि यार मतलब इतना 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 किसी के साथ नहीं होता यार।
हाँ इतना नहीं होता है, बात माननी पड़ेगी, बट इसके अंदर भी कुछ बढ़िया ही छिपा होगा, देखना आप एक दिन फील करोगे कुछ अच्छा ही हुआ है हमारे साथ। आधी स्ट्रगल हो गया सर। हाँ स्ट्रगल हो गया तो इसका परिणाम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हाँ सर उम्मीद तो है। नहीं नहीं उम्मीद नहीं होगा ऐसा, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए हमेशा। चिराग ये एक बच्चा और अभी परमिशन लिए, कौन बच्चा बोलना चाहता है, और कोई बोलना सीखो यार, कब बोलोगे फिर, अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। हर्ष सना बोलो भाई, बच्चों लड़कियों, सर हाँ बेटा बोलो अभी। कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ पॉजिटिव रिपीट करो एक बार। सुप्रीम कोर्ट से कोई हाँ सुप्रीम पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई डिसीजन तो नहीं आया, कल आएगा शायद, है ना। हाँ कल हियरिंग है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सीबीएसई के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुका है, बट कुछ चांस है कि कुछ अच्छा बोल दे सुप्रीम कोर्ट, कुछ तो है। नेट के लिए। नीट के लिए पोस्टपोनमेंट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 12 तारीख को एग्ज़ाम है, सरकार को ख़तरा ये हो रहा है शायद कि फिर अक्टूबर में ना थर्ड वेव आ जाएगी, तो थर्ड वेव से पहले पहले लोग लेना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, बात ये है इसलिए। सर हम अक्टूबर तक हाँ 2 हफ्ते का टाइम दे दें, 1 हफ्ते का टाइम दे दें, ऐसा कर सकते हैं, बट ये भी सरकार की मजबूरी है कि सरकार को ये इनपुट है कि भाई थर्ड वेव आने वाली है, तो उससे पहले ही करना चाहते हैं। हिम्मत मत हारो यार। नहीं पास नहीं ये किया क्योंकि देखो यूपी बोर्ड में सबको पास किया है। यूपी बोर्ड में नहीं किया, नहीं सबको नहीं पास किया, सर शायद नहीं नहीं सर किया है। प्राइवेट वालों के एग्ज़ाम होंगे बेटा उसमें भी। कोई भी बोर्ड अच्छा प्राइवेट वालों को पास नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ अगर किया तो इलीगल हो जाएगा फिर। मान लो आपको पास कर दिया, फिर बाद में जॉब मिलने में दिक्कत आई, समझ रहे हो ना, तो फिर बाद में दिक्कत आएगी कि भाई आपकी तो मार्कशीट बेकार है, कोशिश तो हम कर रहे हैं, कर रहे थे, लेकिन हमें भी ये बात पता थी कि इलीगल तो है, नहीं तो सरकार को क्या दिक्कत थी, जब इतने सारे लाखों रेगुलर का कर दिया आपका भी कर देती। सरकार कभी ये नहीं चाहती कि बच्चे उसके खिलाफ हों, ये सोच लो। और जहाँ तक मुझे मोदी जी का लगता है, मोदी जी हमेशा बच्चों के फेवर के फैसले लेते हैं, आज तक कोई भी पीएम बच्चों से बात कहाँ करता था यार, अभी ओलंपिक हुए, ओलंपिक के हर खिलाड़ी से बात करी फ़ोन कर करके, ऐसा कौन करता था, आज तक तो हुआ नहीं कभी। लेकिन प्राइवेट में लीगली नहीं कर सकते थे वो, इसे छोड़ दो। सो ठीक है, आज का इतना ही है बच्चों, कल फिर बात करूंगा मैं आपसे, कल हियरिंग है, उसके बाद मैं लाइव आऊँगा स्पेस पर, आप सब आ जाना, और बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, मेरा आशीर्वाद, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, लव यू ऑल, पॉजिटिव रहिए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है, बाय ओके सर ठीक है समझ बाय। सकते हैं।